जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं आज दिव्य हवा की पाठ करने जा रही हूँ। दिव्य हवा की पाठ के सत्संग में कोई भी भूल त्रुटि हो जाए पाठ तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी। हे महाशिव जी कृपा कीजिए गुरु जी। परमात्मा हमारे बीच में, पेज नंबर 120। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर है जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यहाँ दौड़ाते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहाँ पर रात 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर में मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इस अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर पड़ जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दिलाते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया कि ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरुक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं। गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है।
किंतु गुरु जी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में मैं यही कहूंगी कि मुझे मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरु जी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को शत प्रतिशत आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कोई दिन सप्ताह मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले और वह खुलता अवश्य है। एक भक्त। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने आज इस सत्संग से शायद मेरे बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए। शुक्राना गुरुजी, सब पर कृपा कीजिए गुरुजी, मेहर कीजिए शामासुख की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।